हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रवि है। ज्ञान हिंदी टिप्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। मिड जुलाई मींस 15 जुलाई के आसपास वजीरेक्स टोकन बर्न होने वाला है। ये बर्निंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वजीरेक्स टोकन का प्राइस कितना ज्यादा बढ़ सकता है, वो सारी डिटेल अभी इसी वीडियो में बिल्कुल हम लाइव में देखेंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आज का ये वीडियो हम एजुकेशन पर्पस से बना रहे हैं। अगर आप कभी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो खुद से रिसर्च कर लीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कॉन्टेक्ट कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे मैंने coinmarketcap.com वेबसाइट ओपन कर लिया है और हमारे सामने वजीरेक्स टोकन का डिटेल ओपन हो चुका है। सबसे पहले वजीरेक्स टोकन का करंट मार्केट प्राइस मैं आपको बता देना चाहूंगा। इस वक्त इसका प्राइस अप्रोक्सीमेटली 86 रुपीज के आसपास है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वजीरेक्स टोकन का करंट मार्केट कैपिटल आपके सामने नजर आ रहा है और इसका करंट सर्कुलेटिंग सप्लाई कितना है वो आपको नजर आ रहा है। अब हम जानेंगे वजीरेक्स का बर्निंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वजीरेक्स टोकन का प्राइस कितना ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा, ये बर्निंग प्रोसेस होता क्या है। बहुत से लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये बर्निंग प्रोसेस होता क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। जिस तरह से इसका नाम है बर्न, बर्न का मतलब है जला देना। बर्न करने का मतलब ये होता है क्रिप्टो करेंसी लैंग्वेज में कि कुछ टोकन को एक डेड एड्रेस पे ट्रांसफर कर दिया जाता है और उसके बाद उस टोकन को कभी भी कोई भी यूज नहीं कर सकता। तो जैसे ही बर्निंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ये जो करंट सप्लाई आपको दिख रहा है, करंट सर्कुलेटिंग सप्लाई में से वो नंबर ऑफ टोकन कम हो जाएंगे। उतने नंबर ऑफ टोकन कम होने से रिजल्ट क्या आएगा कि यहाँ पर इसका प्राइस बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। अब वो कैसे बढ़ जाता है वो सारी डिटेल अभी इसी वीडियो में मैं आपको बिल्कुल कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, एकदम लाइव एग्जांपल देके दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं, इससे पहले जब बर्निंग प्रोसेस कंप्लीट हुआ था उस वक्त इसका कितना मार्केट सप्लाई था और उस वक्त कितना इसका प्राइस बढ़ा हुआ था। तो यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हिस्टोरिकल डाटा है। यहाँ हिस्टोरिकल डाटा पे क्लिक करना है और यहाँ डेट रेंज आप देख रहे हैं, आपको यहाँ डेट रेंज पे क्लिक करके 180 डेज पे क्लिक कर लेना है। 180 डेज पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने पिछले 6 महीने का डाटा खुल जाएगा। यहाँ पर लास्ट में आप देखेंगे मार्केट कैपिटल लिखा है। ये लास्ट कॉलम में जो भी नंबर दिख रहा है ये वजीरेक्स टोकन का इस पर्टिकुलर डेट का मार्केट कैपिटल आपको बता रहा है और यहाँ पर इसका वैल्यू आपको नजर आएगा कि उस वक्त इसका करंट वैल्यू क्या था। तो यहाँ से हम एकदम नीचे आ जाते हैं जनवरी मंथ में, क्योंकि जनवरी मंथ में इस टोकन का बर्निंग प्रोसेस हुआ था, उसके बाद ये टोकन अप्रैल मंथ में बर्न हुआ था, अब उसके बाद ये जुलाई मंथ में दोबारा से बर्न होने वाला है। तो जनवरी मंथ में आप देखेंगे इसका बर्निंग प्रोसेस जब ये हुआ था उस वक्त इसका प्राइस करीब करीब 6 रुपए के आसपास चल रहा था और इसके मार्केट कैपिटल की अगर हम बात करें तो लास्ट में ये 3-3 डिजिट वाले ये तीन बंच है। इन तीनों बंच को अगर हम एक साइड में रखते हैं उसके बाद यहाँ देखेंगे नंबर 1 आपको नजर आ रहा है। जब यहाँ पर नंबर 1 था उस वक्त यहाँ पर 6 रुपए इसकी वैल्यू थी। अब उसके बाद हम आ जाते हैं अप्रैल मंथ में, जब लास्ट टाइम इसका बर्निंग प्रोसेस कंप्लीट हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्च 31 वो टाइम है जब वजीरेक्स टोकन को बर्न करने का अनाउंसमेंट हो चुका था और उस वक्त इसका वैल्यू जो है बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा था। यहाँ देखेंगे 29 मार्च को इसकी वैल्यू 33 रुपीज थी और 2 दिन के बाद इसकी वैल्यू डबल के बराबर ऑलमोस्ट हो गई। यहाँ 29 मार्च को इसका अगर मार्केट कैपिटल हम देखेंगे तो लास्ट में हम 3-3 डिजिट के तीन बंच अगर हम साइड में कर देते हैं तो यहाँ 1 की जगह ये 9 में कन्वर्ट हो चुका है। जनवरी से लेके मार्च तक ये 9 गुना यहाँ इंक्रीज हो चुका था। लेकिन अप्रैल महीने में जब इसका बर्निंग हुआ उस वक्त आप देखेंगे लास्ट के 3-3 डिजिट वाले तीन बंच हम साइड में कर देते हैं तो यहाँ 7070 हो चुका है, जो कि यहाँ 9 था, 9 की जगह ये 70 हो गया बर्निंग कंप्लीट होने के बाद। इट मीन्स 8 गुना इसका मार्केट कैपिटल यहाँ बढ़ चुका था।
इसकी वैल्यू 33 रुपीज थी और यहाँ बर्न कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे 300 रुपए हो चुकी थी। आप समझ सकते हैं 8 से 9 गुना इसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो चुकी थी और इसका मार्केट कैपिटल भी इंक्रीज हो चुका था। अब हम इसके करेंट मार्केट कैपिटल क्या है वो देख लेते हैं। तो यहाँ से हम करेंट डेट में आ जाते हैं। करेंट डेट में आप देखेंगे पीछे से 33 डिजिट के 3 बंच अगर हम साइड में करते हैं तो 70 की जगह यहाँ पर इस वक्त सिर्फ 25 बचा है। तो मार्च में 9 था, अप्रैल में हो गया ये 70, 8 गुना वहां पर ये बढ़ा। तो अभी ये चल रहा है जुलाई फर्स्ट वीक और ये जुलाई सेकेंड वीक या थर्ड वीक के आसपास बर्निंग प्रोसेस शुरू होगा। तो बर्निंग प्रोसेस से 1 हफ्ते पहले इसका जितना भी मार्केट कैपिटल रहता है उसका ये करीब करीब 8 से 10 गुना बढ़ जाता है। तो चलिए हम देख लेते हैं अगर इसका मार्केट कैपिटल 8 से 10 गुना नहीं सिर्फ और सिर्फ 4 गुना भी बढ़ गया तो इसका वैल्यू कितना हो सकता है। लेकिन उससे पहले एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि बर्निंग होता है तो उस वक्त कितने नंबर ऑफ टोकन्स को बर्न किया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे पिछली 4 बार जब भी वजीरेक्स टोकन को बर्न किया गया था तो कितने नंबर ऑफ टोकन्स यहाँ बर्न हुए थे वो डिटेल हमारे सामने नजर आ रही है। हम पिछले 2 जो बर्निंग सेशन है उसको हम कंसीडर करेंगे। एकदम लास्ट बर्निंग सेशन है इसमें 37,53 टोकन बर्न हुए थे और उससे पहले 65,33,000 टोकन बर्न हुआ था। तो मान लीजिए इस वक्त भी अगर 37,53,000 टोकन ही बर्न होते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। सबसे पहले देख लेते हैं करंट सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है। तो यहां पर आप देखेंगे इसका करंट सर्कुलेटिंग सप्लाई आपको यहां नजर आ रहा है। अब इसे हम कैलकुलेटर में ले लेते हैं। तो कैलकुलेटर में हमने करंट सर्कुलेटिंग सप्लाई ले लिया है। अब इसके अंदर से हमें माइनस करना है 37,53,000। तो चलिए इसमें से हम माइनस कर लेते हैं 37,53,333। ये लास्ट टाइम में जो बर्निंग हुआ था सेम वही क्वांटिटी हम इसमें माइनस कर रहे हैं। तो आप देखेंगे बर्निंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद सर्कुलेटिंग सप्लाई सिर्फ और सिर्फ इतना बचेगा इसमें। इस कैलकुलेटर को हम साइड में रख लेते हैं। अब यहाँ पर एक नया कैलकुलेटर हम ओपन कर लेते हैं। अब इस कैलकुलेटर में हम मार्केट कैपिटल लेंगे। तो आप देख सकते हैं करंट मार्केट कैपिटल हमने कैलकुलेटर में ले लिया है। अब लास्ट टाइम जब बर्निंग हुआ था बर्निंग होने से पहले इसका मार्केट कैपिटल यहाँ पर 9 था लेकिन बर्निंग होने के बाद ये मार्केट कैपिटल यहाँ पर 7,070 हो गया था। मीन्स यहाँ पर अराउंड 8 टाइम्स ये बढ़ गया था। तो इस वक्त हम 8 टाइम कंसीडर नहीं करेंगे, इस वक्त हम सिर्फ और सिर्फ 4 टाइम ही कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं अगर ये सिर्फ 4 गुना ही बढ़ा तो इसका प्राइस क्या हो सकता है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से। तो जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे सामने ये नंबर आ जाएगा कि बर्निंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ये 4 गुना इसका मार्केट कैपिटल बढ़ेगा तो इतना इसका मार्केट कैपिटल हो जाएगा। और उस वक्त वजीरेक्स का सर्कुलेटिंग सप्लाई आप देख सकते हैं हमारे दूसरे कैलकुलेटर में नजर आ रहा है। अब यहाँ पर मार्केट कैपिटल से हमें डिवाइड करना होता है इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई। तो उस वक्त का सर्कुलेटिंग सप्लाई नजर आ रहा है 29,00,10,251। ये बर्निंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद का सर्कुलेटिंग सप्लाई होगा। तो यहाँ पर अगर हम एंटर की प्रेस करेंगे तो एंटर की प्रेस करते ही हमारे सामने बर्निंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद का वजीरेक्स टोकन किस वैल्यू पे रहेगा वो वैल्यू हमारे सामने बिल्कुल साफ साफ नजर आएगा। तो चलिए एंटर की प्रेस करते हैं और वो वैल्यू हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं उसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 351 के आसपास होना चाहिए। तो इस मेथड के जरिए हमें एक चीज क्लियर हो जाता है कि वजीरेक्स टोकन बर्न होने के बाद 86 रुपीज से पंप होके 351 रुपीज के आसपास जा सकता है। अब ये वैल्यू कैसे आता है, सही है या गलत है, वो कैसे प्रूव होगा वो अभी मैं आपको लाइव में दिखा देता हूँ। अभी हमने ये वैल्यू निकालने के लिए क्या किया है कि बर्निंग प्रोसेस के बाद का मार्केट कैपिटल लिया था और बर्निंग प्रोसेस के बाद का सर्कुलेटिंग सप्लाई लिया था, दोनों को डिवाइड किया था, तब यहाँ पर हमें वैल्यू मिल गया था। तो इस वक्त का जो मार्केट कैपिटल है उसे सबसे पहले हम यहाँ ले लेते हैं और यहाँ कैलकुलेटर में वो नंबर हम उतार लेंगे और उतारने के बाद यहाँ पर जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है इसे हम इसे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे करंट प्राइस इसका क्या दिखाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं
सर्कुलेटिंग सप्लाई हमने ले लिया है, मार्केट कैपिटल ले लिया है, अब इसे हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे सामने वैल्यू आ रहा है 86 रुपीज 63 पैसा और यहाँ पर करेंट प्राइस क्या दिख रहा है 86 रुपीज 63 पैसा। तो ये चीज क्लियर हो गया है कि ये प्राइस कैसे डिसाइड होता है। मार्केट कैपिटल से सर्कुलेटिंग सप्लाई को डिवाइड किया जाता है, जो भी नंबर आता है वही करेंट मार्केट प्राइस होता है। तो मार्केट कैपिटल बढ़ेगा, सर्कुलेटिंग सप्लाई कम होगा, तो इसका प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगा। तो ये जो नंबर आपके सामने नजर आ रहा है, ये बर्निंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद यही नंबर हमें मिल सकता है, अगर जितना भी एजम्पशन हमने किया है वो सारा एजम्पशन एज इट इज रहा तो। आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल रहा होगा। इस तरह की और भी कई सारी वीडियोस आने वाले समय में बनाने वाला हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। आज का ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।